आखिरकार निरहुआ ने लास्ट में ट्रम्प कार्ड खेल ही दिया। अपने संसदीय क्षेत्र बुलाकर निरहुआ ने साबित कर दिया कि अखिलेश यादव पर वो कितने भारी पड़ने वाले हैं। वैसे भी लोग ये कह रहे हैं कि भले ही यहाँ से निरहुआ खड़े हों, यानी कि आजमगढ़ से भले ही निरहुआ खड़े हों, लेकिन बूझ तो मोदी मोदी की ही है। लोग मोदी के नाम पे वोट डालेंगे, सोने पे सुहागा। तो ये हो गया कि फाइनल वोटिंग के कुछ दिनों पहले मोदी आकर इस तरह का माहौल बना देंगे, ये तो निरहुआ ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पहुँचने के बाद निरहुआ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच खूब बातें हुई और बातें ऐसी हुई कि ठहाके लगे। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इन दोनों के बीच बातें क्या हुई होंगी। हाँ, बातें ये जरूर हुई होंगी कि अखिलेश यादव के साथ साथ सपा का सूपड़ा कैसे साफ करना है। अब भाई, जब मैदान में नरेंद्र मोदी हो, जिस तरह उन्होंने कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया है, तो इस वक्त यही बात हो रही होगी, हम दोनों मिलकर क्यों नहीं सपा का सूपड़ा साफ कर दे आजमगढ़ से। वैसे भी अब आजमगढ़ एक ऐसी सीट बन चुकी है भाजपा के लिए जिस पर पूरे देश की नजर है। अब आगे आने वाले नतीजे ही साबित करेंगे कि मोदी का वहां जाकर प्रचार करना और साथ ही साथ भोजपुरी जगत के सभी स्टार्स का इस तरह से जाके वहां प्रचार करना कितना फल देता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा 23 मई को कि किसके नतीजे आते हैं कारगर। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।